यार ये कौन सा एग्जॉस्ट आपने लगाया हुआ है। और अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से मजे में होंगे। आपने लास्ट चंद वीडियोस में बहुत ज्यादा प्यार दिया मुझे, दिल से दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली दफा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था इसकी सस्पेंशन का काम कैसे हुआ, क्या क्या मैंने इसका काम करवाया। तो अगर आप अब गौर करो तो गाड़ी का स्टेयरिंग जो है थोड़ा सा टेढ़ा है और अलाइनमेंट पूरी एग्जैक्टली ठीक नहीं है। वर्कशॉप पे वो देसी तरीके से ही अलाइनमेंट करते हैं और उनके पास कंप्यूटराइज अलाइनमेंट नहीं होती। अब मैं जा रहा हूँ अलाइनमेंट वाले के पास इसकी कंप्यूटराइज अलाइनमेंट करवाने। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी लेके चलूँ और आपको भी दिखाऊँ कि किस तरह से अलाइनमेंट की जाती है इसकी कंप्यूटराइज। ये तो देसी अलाइनमेंट कर रहा तू है ना, ये वाली ये देसी नहीं होती, ये कौन सी होती है? ये यहां पे देसी भी हो रही है, वहां पे मिलाती भी हो रही है। अच्छा, देसी और मिलाती इकट्ठी कर रहे हो कंप्यूटर की दोनों। ये हम अपने पे चले गए आ जाओ ना गाड़ी के ना। जनाब स्टेयरिंग का काम हो चुका है और अब हमने करनी है बात एग्जॉस्ट पे, क्योंकि मुझसे सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे जाने वाला सवाल है मेरे चैनल पे वो ये है कि यार ये कौन सा एग्जॉस्ट आपने लगाया हुआ है और ये कितने का लिया था आपने, कहाँ से लिया था और क्या आपने मॉडिफिकेशंस की हुई है इसके साथ, और वो क्रैकलिंग आवाज़ कैसे आती है, मतलब पटाखे कैसे निकालती है। तो आप पहले इसकी क्रैकलिंग और एग्जॉस्ट की आवाज़ सुने, मैं फिर आपको बताता हूँ पूरी स्टोरी। जनाब एग्जॉस्ट की कहानी कुछ इस तरह से है कि जब गाड़ी तैयार होकर वर्कशॉप से निकली थी डेंटिंग पेंटिंग के बाद, तो सबसे पहला काम मैंने किया था मैंने इसके अंदर लगवाया था एग्जॉस्ट, और मेरे पास देसी एग्जॉस्ट पड़ा हुआ था, मैंने वो एग्जॉस्ट इसके अंदर लगाया था और आवाज़ इतनी सेटिस्फाइंग नहीं थी, मज़ेदार आवाज़ नहीं थी, वो इस गाड़ी के ऊपर सूट नहीं कर रही थी। फिर मैं मिंट घुमरी गया, तीन चार दुकानें फिरा, एक दुकान पर कुछ एग्जॉस्ट पसंद आए, मैंने दुकानदार को कहा कि यार जो आपके पास सबसे बड़ा एग्जॉस्ट पड़ा है मुझे वो चाहिए, और ये सबसे बड़ा एग्जॉस्ट मतलब उनके पास
ऑन द स्पॉट ये वाला एग्जॉस्ट सबसे बड़ा था और ये वाला एग्जॉस्ट मैंने उनसे ले लिया था। इसके बावजूद कि उन्होंने मुझे काफ़ी दफ़ा कहा था कि यार छोटा एग्जॉस्ट लो, 1600 cc गाड़ी पे ये आवाज़ नहीं निकालेगा, इतनी अच्छी आवाज़ नहीं देगा, लेकिन मेरी सुई अटकी हुई थी कि यार मैंने सबसे बड़ा एग्जॉस्ट लेना है। मुझे था कि यार गाड़ी की पीछे से अच्छी लुक आएगी, बड़ा एग्जॉस्ट लगा होगा, आउटलेट उसकी बड़ी होगी तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। दुकानदार की मैंने नहीं सुनी और एग्जॉस्ट ले लिया मैंने। इसके अंदर एग्जॉस्ट फिक्स करवाया, ठीक है, और जो आवाज़ उसके बाद निकली वो बेस ज़्यादा थी, मतलब आप कह लो कि अच्छी आवाज़ थी, एक डिसेंट आवाज़ थी, लेकिन मुझे उस वक्त चाहिए थी लाउड आवाज़, मतलब शोर वाली आवाज़ कि गाड़ी स्टार्ट हो, गाड़ी गुजरे तो पता चले कि यार कोई मॉडिफाइड गाड़ी गुजरी है। फिर मैंने क्या किया, फिर जिसको लोग रेजोनेटर भी कहते हैं, प्री साइलेंसर भी कहते हैं, जो सेंटर वाली ढोलकी होती है, मतलब आम जुबान में उसको ढोलकी ही कहते हैं, जो सेंटर वाली ढोलकी है मैंने वो निकलवाई, उसकी जगह एक स्ट्रेट पाइप वेल्ड करवा लिया। वो जब सेंटर वाली ढोलकी मैंने निकाली और स्ट्रेट पाइप उसके अंदर वेल्ड किया तो इस गाड़ी की आवाज़ 10 गुना बढ़ गई और इतनी खूबसूरत आवाज़ हो गई थी इसकी कि मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। अब आपके सामने ही है, बल्कि बताना क्या है, आप सुन सकते हैं आवाज़, जैसी भी आवाज़ है आपके सामने है। और अब कुछ तकरीबन 2 साल हो चुके हैं इस ढोलकी को, 2 साल चलने के बाद इसकी हालत कुछ इस तरह से हो गई है कि नीचे लग लग के एग्जॉस्ट ज़मीन के साथ, स्पीड ब्रेकर के साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड चीज़ मेरी गाड़ी के अंदर इस वक्त ये एग्जॉस्ट है। तो ये एग्जॉस्ट ज़मीन के साथ लग लग के, रगड़ रगड़ के, उसकी जो सेंटर वाली जाली है वो इस वक्त जो है ना अपनी जगह से हिल चुकी है और गाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा शोर कर रही है। तो अनकरीब प्रॉबेबली मैं एग्जॉस्ट इसका चेंज करूँगा, वो भी आपको बताऊँगा। और आई होप आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा होगा और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़। ये तो मैं बताना ही भूल गया कि एग्जॉस्ट मुझे 3500 का कॉस्ट किया था और इसकी वेल्डिंग पे तकरीबन 1000 लगा था। तो आप लगा लो कि विद इन 5000 आपको अच्छी आवाज़ विद क्रैकलिंग, पटाखेदार साउंड, तो मेरा ख्याल है वर्थ इट है ये। तो अगर आपने लगवाना तो आप भी लगवा लो, लेकिन शायद आई एम नॉट श्योर, शायद ये एग्जॉस्ट अब महंगा हो गया हो, क्योंकि 2 साल पहले काफ़ी चीज़ें सस्ती थी, अब तो गाड़ियाँ भी काफ़ी अरूज में हैं, तो हो सकता है कि एग्जॉस्ट भी महंगा हो गया हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। सुन लो पहले बात, पहले बात सुन लो, पता कैसे बजेंगे पटाखे? जी जी बताएं। कैसे? 2-2.5 RPM पे जाके रेस छोड़नी है, फिर हल्की सी रेस दे। ये तो मेरी गाड़ी का कमाल है, इसमें तुम्हारा क्या कमाल है?